अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैमूर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजेटी एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो इसकी वर्किंग डिस्कस की थी कि ये किस तरह वर्क करता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का करंट होता है वो किस तरह से फ़्लो करता है और जो होल की वजह से करंट कन्वेंशनल करंट होता है वो किस तरह से फ़्लो करता है। उन दोनों की डायरेक्शन हमने नॉमिनेट कर दी थी ताकि जोन से वो ईजी हो जाए उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में कि वो वर्क कैसे करता है। तो आज हम इसका जो है वो एनालिसिस करेंगे, यानी एनालिसिस से फिर क्या मुराद हुई कि इसमें जो होता है वो इक्वेशंस हम उसकी कैसे ड्राइव करते हैं या उसमें जो होता है वो क्वांटिटीज किस तरह से फ्लो कर रही होती हैं, यानी बेस पे जो करंट होता है वो किस तरह से फ्लो कर रहा होता है और जो कलेक्टर पे करंट है वो किस तरह से, इसी तरह एमीटर पे जो होता है वो किस तरह से फ्लो कर रहा होता है, सेम ही जो वोल्टेजेज हैं वो किस किस तरह से हैं, ताकि जो होता है वो हमें पता चल जाए कि हमने इक्वेशन कैसे लिखनी है और कौन सी इक्वेशन इसके लिए वैलिड होंगी। तो बीजेटी से क्या मुराद हुई, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो ये हमारा ट्रांजिस्टर की नेम है बाइपोलर जंक्शन। हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो जंक्शन होते हैं जो एमीटर और बेस के दरमियान होता है और बेस और कलेक्टर के दरमियान होता है, दो जंक्शन होते हैं। तो चलिए पहले इसकी जो होती है वो डायग्राम ड्रा करते हैं। हमारे पास सेम वही पहले की तरह ये वाला हमारे पास एक जो होता है ट्रांजिस्टर है, इसका ये वाला बेस टर्मिनल हो गया, यानी ये बेस टर्मिनल है, ये वाला कलेक्टर है और ये वाला एमीटर टर्मिनल है हमारे पास। तो इसको हमने जो होता है वो लास्ट लेक्चर में एक रेजिस्टेंस के साथ यूँ कनेक्ट किया हुआ था, जो आगे फर्दर जो होता है वो बैटरी के साथ कनेक्ट थी, और ये बैटरी का जो उनसे नेगेटिव टर्मिनल था ये वाला आगे जो होता है वो एमीटर के साथ कनेक्ट था। सेम इसी तरह जो होता है वो कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट थी और वो जो आ गया फर्दर बैटरी के साथ कनेक्ट थी, बैटरी का एक टर्मिनल कलेक्टर के साथ और दूसरा टर्मिनल एमीटर के साथ कनेक्ट था, यूँ ये था। तो अगर मैं इसको जो है वो नाम देना चाहूँ तो नाम इसके जो होते हैं वो कुछ इस तरह से मैं दे सकता हूँ कि ये वाला ही हमारे पास वी बी बी थी। बी बी क्यों, क्योंकि ये बेस के साथ कनेक्ट थी, ये वाली वी सी सी थी। सेम इसी तरह ये वाली आर सी थी और ये वाली आर बी थी। अगर मैं यहाँ पे करंट का फ्लो आप दिखाना चाहूँ तो हमारे पास चूँकि ये बेस के साथ कनेक्ट है तो जो यहाँ पे करंट होगा वो होगा आई बी और उसकी डायरेक्शन यूँ ये इस तरफ होगी, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो वाला वी बी ई होगा। वी बी ई क्यों होगा, क्योंकि देखें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बेस के साथ कनेक्ट है तो उसकी वजह से बी आ गया, नेगेटिव जोन्स है वो एमीटर के साथ कनेक्ट है तो उसकी वजह से ई आ गया। सेम अगर ये वाला मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे आई सी होगा करंट का फ्लो और यू ये इसकी डायरेक्शन यू होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है। अगर मैं होल के जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन शो करना चाहूँ तो वो यू होगी, यानी इसमें जो करंट होगा वो इस तरह से होगा। अब ये तो हमने अभी देखा है कि करंट और वोल्टेज, अच्छा यहाँ पर वी सी ई होगा, यानी यहाँ पे वी बी ई था बेस और एमीटर के साथ, ये वाली बैटरी कनेक्ट थी, ये वाली कलेक्टर और एमीटर के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे वी सी ई होगा। अब देखें ये वाली हमने यहाँ पे अभी सिर्फ ये शो किया कि ये कैसे कैसे होंगे। अब इनकी अगर मैं इक्वेशन बताना चाहूँ तो वी बी बी के लिए इक्वेशन ड्रा करते हैं। पहले देखें ये वाला वोल्टेज जोन सा ये दो में डिवाइड हो रहा है, एक तो जो है वो यहाँ पे बेस टर्मिनल की रेजिस्टेंस पे एक है, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको हम कहेंगे वी बी आर, और जो यहाँ पे होगा उसको हम कहेंगे वी सी आर। ठीक हो गया। अब इनके लिए अगर मैं इक्वेशन ड्रा करूँ तो इसके लिए एक तो ये वाला वोल्टेज है और दूसरा ये वाला है। सेम इसके लिए अगर ड्रा करूँ तो एक तो ये वाला वोल्टेज है दूसरा ये वाला। पहले वी बी बी के लिए ड्रा करते हैं तो ये वी बी बी इज इक्वल टू है जी वी बी आर प्लस हमारे पास जोन सा ये वी बी ई है, यानी ये दो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ओम लॉ अप्लाई करूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, वी बी बी इज इक्वल टू हमारे पास हो गई जी आई बी आर बी प्लस वी बी एज इट इज आ जाएगी। वी बी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होती है जी 0.7 वोल्टेज जो उसको रिक्वायर होते हैं डायोड को फॉरवर्ड बाइस होने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं बेस पे जो करंट होता है उसकी ये आई बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसके लिए हमें ये वाला इधर पॉजिटिव है तो इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आई बी की वैल्यू जो होगी वो इस तरह से होगी वी बी बी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय आर बी। ये हमने पहले टर्मिनल जो वी बी बी लगाई हुई है इसके लिए जो इक्वेशन निकाली है वो ये वाला एक जो है वो सेट इक्वेशंस का ये वी बी बी के लिए हो गया। अगर मैं वी सी सी के लिए वही सेट एक और ड्रा करना चाहूँ तो इसके लिए देखिए इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएंगी, वी सी सी इज इक्वल टू हमारे पास है एक यहाँ पे जो उनका वोल्टेज है और दूसरा ये वाला, यानी वी सी आर प्लस वी सी ई।
अब देखें हमारे पास VCR पे अगर मैं ओम लॉ अप्लाई करूं तो वो हमारे पास हो जाएगा ICRC, जैसे हमने लास्ट पिछले में किया था। तो ये वाला VC, यहां से IC की वैल्यू निकालूं तो ये वाला उधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये वाला उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी IC इज इक्वल टू हो गया VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RC। तो ये वाला दूसरा जो सेट इक्वेशंस का हो गया, ये वाला VCC के लिए हो गया। तो हमने बेसिकली इसमें इक्वेशंस ही ड्रा करनी थी कि ये जो इक्वेशन हम ड्रा करें ये इस सेट का जो हमारा पास सर्किट है इसको जो है वो वेरीफाई करें, उसके लिए वैलिड होनी चाहिए। तो बस इतना ही था हमारा टॉपिक, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।